तो कोई स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज के डे में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी पेमेंट एप्लीकेशन में UPI इशू एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जब भी आप कोई पेमेंट करने का ट्राई करते हो अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे सामने एक एरर का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो गाइस यही एरर है। जब भी आप कोई भी पेमेंट करते हो अपने यूनियन बैंक के थ्रू, तो आपको एक एरर शो करता है UPI इशू एट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आज के मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, कैसे भी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। वीडियो मैंने तक बने रहेगा, चलेगा इस बिना किसी देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप क्या करिए, पावर बटन दबा के फ़ोन को एक बार रीबूट कर लीजिए। जैसे आपका फ़ोन यहाँ पर ऑन होता है, उसके बाद आप दोबारा पेमेंट करने का देखिएगा, आप यहाँ पर इजीली पेमेंट कर पाओगे। अगर यहाँ पर फिर भी आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब क्या करिए, प्ले स्टोर में आ जाइए। प्ले स्टोर में आने के बाद जो भी पेमेंट एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे थे, फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी यूज़ कर रहे, सपोज कर लीजिए गूगल पे आप यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में सर्च कर लेना उसी एप्लीकेशन को। यहाँ पर देख पा रहे अपडेट आ रहा है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है, ठीक है। ये काम करने के बाद जैसे आपकी एप्लीकेशन अपडेट हो, दोबारा आपको पेमेंट करने का ट्राई करना है। अगर नहीं होती है क्या करिए, जबकि पेमेंट एप्लीकेशन है उस पर यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करिए। अब यहाँ पर जीपे है, हम इस पर करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐप इन्फो आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। कहीं जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिलता है क्लियर डेटा, यहाँ पर आके क्लियर टच कर दीजिए। उसके बाद क्लियर डेटा भी कर दीजिएगा, इससे जो भी आपके बैंक अकाउंट वगैरह सब रिमूव हो जाएगा, आपको दोबारा से यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये काम कर लेना है। ये काम करने के बाद यहाँ पर अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं होती तो एक और सॉल्यूशन है, आप क्या करिए अपने पेमेंट एप्लीकेशन में जाके जो आपका यूनियन बैंक का अकाउंट है आप उसे रिमूव कर दीजिए, जो अपना बैंक है रिमूव कर दीजिए और दोबारा से ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये ट्रिक आपको जरूर करनी है, क्योंकि इससे जो है 99% आपके चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी 1% बचा, अगर आपकी इससे भी नहीं होती तो आप क्या कर सकते हो, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। अब गाइस यहाँ पर आप क्या कर लेना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर केयर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नंबर देखने को मिल जाएगा, आप नंबर से बात कर सकते हो, ठीक है, नंबर डायल करके, नहीं तो आप चैट कर सकते हो एक लाइव एजेंट के साथ में, ठीक है। जैसे आप चैट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं, यहाँ पर कनेक्टिविटी एजेंट है, इस पर क्लिक कर लेना है। एजेंट पे जैसे आप क्लिक करोगे, थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर आप अपनी जितने प्रॉब्लम सब यहाँ पर बता दीजिएगा, फोटो भी आप सेंड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोटो जो है इसे सेंड कर लेता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं एजेंट आ चुका है, और इसे गाइस हमें अपनी जो प्रॉब्लम है सब कुछ डिस्क्राइब कर देनी है। प्रॉब्लम इन माय, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फोटो चली गई है, और यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ठीक है। बाकी आप इनसे बात कर सकते हो, या फिर चैट, अगर आपको नहीं आता चैट करना तो आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल से भी बात कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम नोट करें, नोट करने के बाद बाकी फ़ोन नंबर से बात करेगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं व्हाट्सएप पर भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बस यही इसका सोल्यूशन था, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं, लव यू ऑल।